नमस्कार प्रणाम आइए एक चीज हम आपको दिखाते हैं कि अभी हम गोविंदपुर चेक पोस्ट पर हैं गोविंदपुर थाना के पास और अभी रात्रि बारह साढ़े बारह बज रहा है एक चीज़ मैं आपको बताता हूं जब मैं यहां से गुजर रहा था तो अभी मैं देखा कि आगे जब मेरा गाड़ी आया तो सबसे बड़ी बात यहां पे सरकार की कमी क्या है वो मैं आपको देख एक चीज़ बताता हूं कि आप यहां पूरे कैमरा घुमा के देख सकते हैं एक भी बैरियर यहां पे नहीं दिया गया है अब अगर कोई भी गाड़ी झारखंड से आएगा तो रोकने के लिए जो एक सरकार के द्वारा जो प्रशासन के द्वारा एक बैरियर दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि गोविंदपुर थाना या नगर थाना या कहीं भी हमेशा आपकी चेक पोस्ट कहीं भी कुछ होता है तो उस प्रकार से बैरियर में लिखा हुआ रहता है अभी आगे देखे होंगे आप हमेशा पूरे बिहार में देखते होंगे कहीं भी अगर चेक पोस्ट या कहीं भी नाकाबंदी रहती है तो वहाँ पे बैरियर जरूर लगाया जाता है और एक चीज मैं आपको अपने लाइव के माध्यम से दिखाता हूँ कि बैरियर की बात तो देखिए मैं आपको बता दिया हूँ और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ बताता हूँ सबसे बड़ी बात ये कि आप जरा सा आइए और इसको देख सकते हैं ये पेड़ ये मतलब हमको लगता है ये रेड़ी का पेड़ है ना सर क्या चीज़ का पेड़ है रेड़ी है ना ये देखिए रेडी का पेड़ है जिस समय दस बजे के बाद जब सूरज सुबह होता है सूरज जब निकलता है और इतना तेज गर्मी पड़ती है तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ आप इधर आइएगा देख लीजिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इन लोग का सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं लेकिन रहने के लिए देख लीजिए लाइन कहाँ से एक पॉल से थोड़ा सा आगे से तार खींच के बोर्ड लगा के देखिए एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है और इसी पंखा में दिन और रात बिहार पुलिस के जवान गुजार देते हैं एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि ये देख रहे हैं फुसबक के कि कहा है इसको आप लोग देख के समझ सकते हैं इस जगह पे अगर इधर से धूप आता है तो ये लोग यहाँ जाते हैं और जब इधर से धूप आता है तो बचने के लिए इनके पास कोई चीज ना है तो आके कहा पे खड़ा होते हैं देख लीजिए रेड़ी के गाछ है हालांकि पीपर के गाछ या बर का गाछ रहता है तो आधा से घंटा आदमी वहाँ रुक भी सकता है लेकिन अभी इस गाछ के नीचे हम आके खड़ा होंगे इतना भीषण गर्मी है और इतना गर्मी में कैसे बच पाएंगे जरा आप ही लोग बताइएगा एक चीज़ और हम तो नहीं के दिखावे के प्रयास कर रही हो अपने लाइव के माध्यम से कि जरा सा आइएगा जब तक बिहार सरकार पूरी तरह से एक्टिव नहीं होगी जब तक सरकार इस प्रकार के कमी को दूर नहीं करेगी जब तक हम सरकार को रेलते रहेंगे और अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं भी थोड़ा सा गलती हो जाता है आप लोग तुरंत उस चीज़ को इस तरह से उछालते हैं ताकि उन्होंने बहुत बड़ा लगता है कि अपराध कर दिया लेकिन इनके साथ जो अपराध से भी बड़ा काम किया जा रहा है आप हमको अब बताइएगा कि कैसे ये लोग अपना दिन और रात गुजार करते होंगे सर मतलब गर्मी उर्मी लगता है तो कैसे आप लोग रहते हैं इतना गर्मी घर में गर्मी रहते है, क्या करेंगे तो कोई मतलब सूचना नहीं दिए कोई मतलब सुविधा आप लोग को नहीं है ये है है रहना नाम अच्छा तो अभी तो मान लीजिए ऐसे है जब सुबह मतलब रात में तो ठीक है थो, थोड़ा ठंडा का मौसम है तो निकल जाता है लेकिन दिन में जब आप बारह बारह चौदह चौदह घंटा ड्यूटी यहाँ पे करते हैं और इतना भीषण गर्मी में कैसे रहते हैं आप लोग जब तक छा रहता है रहते हैं फिर धोपा जाते हैं छाता अच्छा तो सरकार के द्वारा एक जो बैरियर लगता है चेक पोस्ट पे वहाँ पे ये क्यों नहीं दिया गया बैरियर वगैरह तो हम अपना बोले हैं बड़ा बाबू से तो कहेंगे ठीक है बात करेंगे वहाँ से भेड़िया अभी तक नहीं है सबसे पहले यहाँ पे एक कमी है सरकार से मैं विनती करना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लाइट लगाया जाए अभी देख लीजिए लाइन आया हुआ है लेकिन इस जगह पे एक भी लाइट नहीं है अगर किसी प्रकार के इन लोग के साथ घटना होगा तो उसका जब जवाबदेही कौन लेगा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि पूरे बिहार में जिस तरह से अपराध का मामला बढ़ता जा रहा है और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार का घटना होगा इन लोग के साथ कौन खड़ा रहेगा एक चीज़ मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एक एक गाड़ी देख लीजिए अभी लगन का टाइम है एक एक गाड़ी जो जा रहा है उसको हमेशा देख के और चेक करके लोग भेजने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक चीज बताता हूँ पूरा कैमरा घुमाइएगा अभी देख लीजिए नाइट वीडियो में बारह एक बजे रात को भी इस जगह पे शूट कर रहा हूँ एक भी लाइट का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है नहीं यहाँ पे शेड का व्यवस्था है और न ही यहाँ पे चेक पोस्ट पे जो बैरियर होता है उसका व्यवस्था है नहीं यहाँ पे एक बढ़िया लाइट का और न ही पंखा का व्यवस्था है आप

और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं और दिखाता हूं लाइव की सबसे बड़ी मैं सरकार से एक बार और विनती करूंगा कि सबसे पहले इस चीज़ को सुधारिए क्योंकि ये लोग अपना ड्यूटी जब ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं तो आप भी अपना ड्यूटी और अपना सिस्टम सुधारिए और ईमानदारी पूर्वक निभाइए सबसे पहले यहाँ पे एक चेक पोस्ट का जो बैरियर होता है वो लगाइए एक लाइट लगाइए जब तक लाइट नहीं रहेगा अंधेरे में ये लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं अगर किन्हीं के साथ किसी प्रकार का कुछ हो जाएगा इन लोग का घर परिवार को कौन देखने वाला है अगर हम लोग का और पूरे बिहार का घर परिवार का ये लोग देख देखभाल कर रहे हैं तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि इनका भी देखभाल करना हम लोग का दायित्व बनता है इसलिए सबसे पहले यहाँ पे एक शेड होना चाहिए और लाइट होना चाहिए और एक यहाँ पे बैरियर होना चाहिए क्या सर ये तीनों तो, चीज यहाँ पे जरूरी, जरूरी है कि जरूरी है? जरूरी है सबसे जरूरी है, जरूरी है। यहाँ है। पे जरूरी है तो मैं एक बार सरकार से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द लगाने का प्रयास किया जाए हिंद